गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की न्यूज है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो है 79 कम्युनिटी डेवलपमेंट पोस्ट के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाउ वी टॉक अबाउट एलिजिबल क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप। फॉर दिस वैकेंसी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो है मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या फिर उससे रिलेटेड कोई और डिग्री में विथ 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जो आप स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। गाइस, आप लोगों की एज अगर 30 इयर्स के ऊपर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड एज का जो रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा, लाइक 3 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड 5 इयर्स SC ST कैंडिडेट के लिए, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिलेक्शन मेथड। इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है वो 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट CBT एग्जाम, सेकंड मेडिकल एग्जाम, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर दिस वैकेंसी स्टार्टिंग में आपका जो सैलरी है वो मिनिमम 50,000 से 1,60,000 तक होगा पर मंथ। और सैलरी के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आती है वो आपको टाइम टू टाइम नॉक कर दिया जाएगा CIL की तरफ से। सो गाइस, इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा एंड 7 अगस्त तक चलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए तो SC ST PWD ESM इन सभी कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1,180 रुपीज। सो फ्रेंड, अभी भी आप लोगों को किसी भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट हो तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर ऑफिशियल नोटिस एंड ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, जाके चेक करो। और अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ जानना है जल्दी से मुझे कमेंट करो।